हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज से हम लोग पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ पहले क्लास से पूरे जोश के साथ में। आइए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और इसको बहुत कायदे से पढ़ेंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं ये समझेंगे। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला चैप्टर है इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय क्या होता है, इस्लाम क्या होता है, इस्लाम का अर्थ क्या होता है। इस्लाम का अर्थ जो होता है, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम होता है। क्या होता है, खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम होता है। इस्लाम धर्म का उदय कहाँ होता है, इस्लाम धर्म का जो उदय होता है वो मक्का में होता है। कहाँ होता है, मक्का में होता है। और इसके जो संस्थापक होते हैं, मोहम्मद साहब होते हैं, वो कुरैशी जनजाति के होते हैं और उनका जो जन्म होता है वो 570 ईस्वी में होता है, मक्का में ही होता है। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला होता है तथा उनकी माता का नाम अमीना होता है, जिनका बचपन में ही देहांत हो जाता है। उनके पश्चात इनके जो चाचा होते हैं अबू तालिब, इनका पालन पोषण करते हैं, इनका पालन पोषण करते हैं। और ये मोहम्मद साहब जो थे, ये बहुत निर्धन परिवार से बिलोंग करते थे। और इन्होंने क्या किया, जो ये बकरियां चराया करते थे, बकरियां जो हैं ये, इनको बकरियों को ये वहां पर चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे और उसी से वो अपना जीवन यापन चलाते थे, जीवन यापन चलाते थे। 25 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, एक 40 वर्षीय 15 साल बड़ी लड़की से, एक धनी महिला थी जिसका नाम था खतीजा, उससे क्या करते हैं, उससे ये शादी कर लेते हैं या विवाह कर लेते हैं। और विवाह के उपरांत ये क्या करते हैं, विवाह के उपरांत, शादी के बाद ये धार्मिक खोजों में लीन हो जाते हैं। और इन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घोर तपस्या करते हैं और इन्हें एक देवदूत, इजराइल का देवदूत इन्हें मिलता है, या इजराइल का जिसे संदेश मिला, जिससे इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन धर्म के उपदेशों में प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं या भ्रमण करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय, इस्लाम का अर्थ होता है खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण। इस्लाम का जो अर्थ होता है वो खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय कहाँ हुआ, मक्का में हुआ है। इस्लाम का जो उदय हुआ है वो कहाँ हुआ, वो मक्का में हुआ है। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, मोहम्मद साहब थे, जो एक कुरैशी जनजाति के थे। उनका जन्म जो होता है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, मक्का में हुआ था। पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना। पिता का जो मृत्यु थी वो जन्म से पहले ही हो गई थी, जन्म के समय ही, जन्म से थोड़ा पूर्व ही हो गई थी। लेकिन माता का जो इनकी माता अमीना थी, इनकी मृत्यु जन्म के 6 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। कितने, 6 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और इनका पालन पोषण जो है इनके चाचा अबू तालिब ने किया। और ये क्या करते थे, ये बकरियों को चराया करते थे, बकरियों को चराया करते थे, बकरियों का पूरा समूह ले लेते थे, उसी को चराते थे, जिससे क्या होता था, इनका इनका जो है क्या है, उसी की देखभाल के कारण इनको क्या होता था, इनका जीवन यापन चलता था। और ये धीरे धीरे युवा हो गए। जब 25 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो इन्होंने क्या किया, एक 40 वर्षीय धनी महिला जिसका नाम खतीजा से, उनसे इन्होंने विवाह कर लिया। फिर विवाह के उपरांत ये क्या करते हैं, ये धर्म की खोज में लग जाते हैं, धर्म की खोज में लग जाते हैं। और इन्होंने 40 वर्ष में की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, एक संदेश इजराइल का इन्हें संदेश मिलता है, जिसके माध्यम से ये अपने आप को यूसर का देवदूत कहते हैं। और अपने आप को जब इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है तभी से इन्हें पैगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता, पैगंबर कहा जाता, और अपने आप को पैगंबर कहलाते हैं। और ये अपना शेष जीवन यूसर के संदेशों को संसार में प्रचारित करने में व्यतीत कर देते हैं। और ये मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और ये निंदा करते थे, और ये क्या करते थे, ये निंदा करते थे। 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 570 के बाद में ये 40 के हो गए, 610,
तो 610 में, उसके बाद 12 साल के बाद इन्हें 622 ईस्वी में मदीना से आमंत्रण मिलता है, निमंत्रण आता है, और उस वो निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। उसके बाद ये मदीना चले जाते हैं। जब ये मदीना जाते हैं 622 ईस्वी में, इसे हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। और इसी जब इन मदीना जाने के जब ये मदीना जाते हैं उसी की याद में क्या होता है, 622 ईस्वी में हिजरी संवत प्रारंभ होता है। हिजरी संवत प्रारंभ होता है, और इस तिथि को मोहम्मद साहब का क्या होता है, मक्का त्याग जाने को त्याग कर मदीना जाने की इस व्रत में ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। हिजरी संवत की शुरुआत होती है। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की चले जाने की सूरत में होता है। ठीक है, उन्होंने कहा था, मोहम्मद साहब जो अपने मदीने जाने के बाद उन्होंने क्या किया, कुरान की वहाँ पर रचना करते हैं, कुरान की रचना करते हैं, और यहाँ पर ही उन्होंने शिक्षाओं को निश्चित रूप मिला। क्या मिला इनको? और उन्होंने आदेश दिया कि अल्लाह एक है। उन्होंने कहा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। उन्होंने कहा मोहम्मद जो है अल्लाह का पैगंबर है, और उन्होंने यूसर की एकता पर बल देते हैं, और उन्होंने अपने अनुयायियों से या फरिश्तों के आदेशों पर विश्वास भी करने का उपदेश दिया, और यूसर के संदेश लाते थे। उन्होंने पवित्र कुरान की सम्मान तथा प्रलय में विश्वास का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कुरान पवित्र है। इस पे उन्होंने मोहम्मद साहब अपने अनुयायियों को पांच कर्तव्यों को करना आवश्यक बताते थे पालन करने के लिए। ये पांच कर्तव्य जो थे उनमें कलमा था, उसके बाद प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना होता था, रोजा, हज व जकात होता था। वो प्रथम मुस्लिम शासक थे, वो मोहम्मद साहब जो थे वो प्रथम मुस्लिम शासक थे। उनके शासन का सुधार जो आधार था वो कुरान था। वो कुरान के आधार पर ही शासन करते थे, और वो अपने मुसलमानों से उनकी आय का 1/40 भाग क्या लेते थे, 1/40 भाग एक धर्म के नाम पर कर लिया करते थे। जबकि जहाँ पे उपज अच्छी होती थी वहाँ पर 1/10 भाग लिया जाता था, और उन्होंने उपज का कहीं कहीं 1/20 भाग भी लेते थे। उनके बाद में फतवा, उन्होंने शरीयत का पालन नहीं करते थे, और उसके विरुद्ध उन्होंने फतवा जारी किया। मोहम्मद साहब अपने धर्म विरोधी जो थे उनके जो धर्म विरोधियों पर उन्होंने विजय प्राप्त करने के लिए युद्धों और राजनीतिक जो गठबंधन थे उन्होंने उन दोनों का सहारा लिया। और उसके बाद वो मदीना पर कुरैशों का आक्रमण होता है। आक्रमण के फलस्वरूप वहाँ पर तीन युद्ध होते हैं मदीना पर कुरैशी जो थे उनके आक्रमण के फलस्वरूप 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध था बद्रा का जो युद्ध होता है मार्च अप्रैल के 624 ईस्वी में होता है। मार्च अप्रैल के समय में 624 ईस्वी में होता है। और दूसरा युद्ध होता है जो डिच का युद्ध होता है, मार्च अप्रैल 627 ईस्वी में होता है। और 63 वर्ष की आयु में 632 इसी युद्धों के परिणाम स्वरूप पराजय से उनको क्या हुआ, विरोधियों की पराजय ने उनके प्रभुत्व को क्या कर दिया कि बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा, वृद्धि हुई, और वो क्या हुए, वहाँ के शासक बन गए। और इन परिश्रमों का सामना करते हुए उनको 63 वर्ष की जब युद्ध हुए, इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, उसके पास विरोधी जो थे उनकी पराजय हो गई। लेकिन इस संघर्ष में 3 युद्धों में इतना ज़्यादा वो टूट चुके थे कि वो 63 वर्ष की आयु में 632 ईस्वी में उनका निधन हो गया। और उनका क्या हुआ, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं थी। उसके बाद इस्लाम के 4 प्रमुख खलीफा हुए, जो पहला हुए अबू बकर। कौन थे हुए? अबू बकर। इनका केवल नाम याद रखना, अबू बकर हुए जो 632 से 634 तक, कितने, 632 से 634 तक। दूसरे हुए उमर जो 634 से 644 तक। ठीक है, अबू बकर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबू बकर ये कहाँ के थे, ये अरब के ही, अरब देश के थे। और इन्होंने
निर्विरोध सत्ता प्राप्त की थी। वहां पर इन्होंने निर्विरोध सत्ता प्राप्त की थी। इन्होंने सीरिया पे आक्रमण किया था और उन्होंने बेजेंटाइन राज्य के विरुद्ध भी नेतृत्व किया था। और इन्होंने ठीक है, और उसी के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और 634 में उमर जो होता है, इनका ही पुत्र उमर जो होता है वो उत्तराधिकारी बनता है, वो खलीफा बनता है। वो 634 से 644 तक 10 साल तक रहता है। और इसने भी सीरिया और सीरिया जैसे राज्यों पर मिस्रों को मिस्र राज्य पे इसने भी उमर ने भी विजय प्राप्त की थी। इसकी सुव्यवस्थित शासन व्यवस्थाएं थी ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो होता है, तीसरे खलीफा होते हैं उस्मान। पहले अबू बकर, दूसरे होते उमर, तीसरे होते उस्मान, चौथे होते अली। उस्मान 644 से 656 तक रहते हैं ठीक है। और जब ये खलीफा बनते हैं तो इनकी आयु जो होती है उस्मान की, वो 70 वर्ष के हो चुके होते हैं। ये क्या होते हैं, ये पक्षपात, इनमें स्वार्थ और ईर्ष्या जो होती है इनमें बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में चौथे खलीफा जो होते हैं वो अली होते हैं। अली की मृत्यु भी 25 जनवरी 1600 में हो गई थी। 25 जनवरी, अली की जो मृत्यु हुई थी 25 जनवरी 1661 में हुई थी। कब हुई थी, 1661 में, 661 में, 25 जनवरी 1661 में अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उमैया वंश आता है। उमैया वंश के 14 शासक जो होते हैं वो 90 वर्ष तक शासन करते हैं। और इसमें ये कुरैशी जो थे उनके दो विरोधी शासकों में विभाजित थे ठीक है, ये उन्हीं के विभाजित थे। उसके बाद में इसके 14 शासक होते हैं उमैया वंश के, 661 से 750 तक, 90 वर्षों तक ये लोग शासन करते हैं। उसके बाद में अब्बासी वंश आता है जिसमें 33 राजाओं ने राज्य किया था और 500 वर्षों तक शासन करते हैं। उसके बाद में ताहिरी वंश आता है जो 820 से 872 ईस्वी तक शासन करते हैं, 820 से 872 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसी में जो ताहिरी वंश होता है उसके बाद में समानी वंश आता है। समानी वंश 874 से 899 तक, 899 तक शासन करते हैं। समानी वंश में ही एक वंश होता है, एक शाखा होती है जिसका नाम होता है सफारी वंश। उस शाखा के ही लोगों को सफारी वंश कहा गया। उन्होंने 861 से 900 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में होते हैं, अगला आता है जियारी वंश। जियारी वंश आता है, जियारी वंश ने शासन किया 928 से 1024 तक। और ये इसके जियारी वंश के बारे में अलबरूनी ने अपनी पुस्तक क्रोनोलॉजी ऑफ एंशियंट नेशन में लिखा है। उसके बाद में एक आता है वो है ही, और दलेमी वंश आता है जो 935 से 1052 तक, 52 तक शासन करते हैं ठीक है। ये बुहेवी शासक होते हैं। उसके बाद में कराखानी वंश आता है। कराखानी वंश जो होता है तुर्किस्तान के जेक्स्टार्टिस नदी के पूर्वी प्रदेश में थे। उसी के बाद बुगरा खां और तथा इलक खां इस वंश के प्रसिद्ध शासक होते हैं कराखानी के बाद। उसके बाद में अरबों के सिंध विजय और अरबों के विजय से पूर्व सिंध की दशा पढ़ेंगे, क्या क्या समस्याएं थी, क्यों अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा की क्या स्थिति थी, दाहिर वहाँ का राजा था उसके सामने कैसी परिस्थितियाँ थी, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में ठीक है दोस्तों। अगली क्लास जो होगी अरबों का सिंध पर विजय होगा, महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और देखना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट।